उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। ए बिग डिस्कशन विद न्यू पॉलिटिकल पार्टी। नमस्कार, अमित चौधरी जी, सबसे पहले तो आप अपना पहले पूरा संपूर्ण परिचय दे दीजिए कि आप किस पार्टी से हो और आपका पद क्या है और आप देश के लिए क्या सोच रखते हो। जो अभी ये माहौल चल रहा है, आने वाले समय में विधानसभा गुजरात का चुनाव है, गुजरात राज्य में, तो उन सब बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हमारे दर्शक है वो हमारी जनता है आपसे पूछना चाहिए। बताइए, आपको पहले परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ अमित कुमार चौधरी, संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी। ये बिहार से पार्टी लॉन्च हुई है और इसको पूरे भारत में हमने कमेटी गठन किया है और आगे जो जो राज्य बचा हुआ है वहां पे हमारी कोशिश जारी है। भारत में जो अराजकता फैला हुआ है, आज किसी भी राज्य में आप चले जाए जहां पे हर एक राज्य की जनता को जाति के ऊपर नेता लोग रोटी सेक रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, जो देश जो आजाद हुआ था उसमें सभी जाति का योगदान था, किसी एक जाति का नहीं। आज गुजरात जाइए, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने बोला गुजरात मॉडल। आज गुजरात के जनता से पूछिए, गुजरात में उनके साथ क्या हाल है, वहां के दलितों से पूछिए, वहां के नौजवानों से पूछिए, क्योंकि पूरे भारत में ये भ्रष्टाचार नेता, पूंजीपंथ नेता लोग सिस्टम को हाईजेक करके बैठे हुए हैं। और लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी मूल स्थापना करने की बात करती है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी नेता आज 75 साल से देश के अंदर में सिर्फ जनता को गुमराह करने का कोशिश किया, जाति के नाम पे रोटी सेकने का कोशिश किया। देश को जरूरत क्या है? शिक्षा में बदलाव। शिक्षा में तभी संभव होगा बदलाव जब सरकार की नीति और काम करने की नीयत सही होगा। हम पूछना चाहते हैं, जो भारत में इतने सारे टोल टैक्स हैं, टोल टैक्स की जो असूली होता है, वहां के ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्कूल या जो भी उस ग्रामीण क्षेत्र में उस पैसा को क्यों नहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन नहीं, वो सारे टोल टैक्स का पैसा सरकारों के तिजोरी में जाता है, घोटालाबाज के तिजोरी में जाता है। आज आप एक भी डिपार्टमेंट, भारत का डिपार्टमेंट, एक भी डिपार्टमेंट का मुझे बताइए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। वो अदालत क्यों नहीं हो? आप अदालत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो क्या लिखा रहता है अदालत के अंदर में? न्यायालय है, लेकिन उस न्यायालय के अंदर में बगल के केबिन में भ्रष्टाचार होते रहते हैं। तो न्याय है कहां इस देश में? इस देश में जो जाति पे जो रोटी सेका जाता है, इसके लिए मैं सभी जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति महोदय को भी, मैं सबको पत्र के जरिए मैं जगाने का कोशिश कर रहा हूं। और लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी, ये जो जितनी भी पार्टी बाजार में चल रही है, ये सब व्यापार कर रही है। और लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी व्यापार के लिए नहीं आई, जिसका जैसा प्रतिभा होगा वो प्रतिभा वाले व्यक्ति अपना रास्ता खुद स्वयं रास्ते पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे जरूरत है देश में। हाँ बोलिए। मेरा सवाल आपकी इस प्रतिभा के लेकर एक सवाल उभर कर आ रहा है मेरे दिमाग में जी। क्या सिर्फ प्रतिभा के दम पर घर संसार, परिवार, समाज, देश क्या चलाया जा सकता है? सिर्फ प्रतिभा के दम पर क्या उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर में प्रतिभा है तभी आप ये चैनल खोल करके बैठे हैं, बिना प्रतिभा के नहीं। अब रह गया ये चैनल को चलाना कैसे। आपका यदि लगन है, मेहनत है,
अब इसको आवश्यकता है पैसे की, तो सरकार का काम है जो आपके प्रतिभा के अनुसार आपको मदद करना। जिस दिन भारत में ये चीज होने लगेगा तो भारत की जो ये जो बेरोजगारी ऐसी जो समस्याएं, क्योंकि आप ये सोचिए आपको कोई रोजगार अमेरिका और इंग्लैंड भारत में ला करके नहीं देने वाला है, आपको रोजगार आपके प्रतिभा के अनुसार मिलना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब सरकार आपकी प्रतिभा में मदद करेगा। आपके हर एक गांव में, भारत का हर एक गांव का मैं बताता हूं, हर एक गांव में जाइए, हर एक जिला में जाइए, कदम कदम पे भाषा बदलते हैं, कदम कदम पे वहां की पहचान बदलती है, सबकी अपनी अपनी क्षेत्र की पहचान है। आज यदि उस क्षेत्र की पहचान को सरकार के द्वारा यदि उसको बढ़ावा दिया जाए तो रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पत्र में जनता को और प्रिंटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मैंने ये पत्र आज जारी किया हूं, जिसमें मैंने साफ साफ दर्शाया है 80% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा 648 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया गया। वो भी कब से? बीजेपी की सरकार 2014 से 2019 में बजट 848, उपयोग 179 और दुरुपयोग में, और दुरुपयोग के साथ में उपयोग का भी मैं बात कर रहा हूं, 678। उसके बाद 2020 और 2021 में 600 बजट में 622.48, उपयोग 156.46 और दुरुपयोग में 46.02। अब बताइए, जवाब दे सकते हैं बीजेपी के सरकार के लिए 80% जो भारत के जनता का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो योजना को जो लूटा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, तो भारत के अंदर में आप जितने भी योजना का यदि आप जाए चेक करें, डिपार्टमेंट से मांगे, हर एक योजना में आपको घोटाला मिलेगा। अमित जी आप घोटाले की बात करते, मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल उदाहरण देना चाहती हूँ। बहुत साधारण सा उदाहरण है जो आम लोगों के लिए बिल्कुल सही उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। हम लोग बात करेंगे एलपीजी की, एलपीजी सिलेंडर, और बात करेंगे आप घोटाले की बात करते, इसलिए मैंने आपको ये बात छेड़ी, और हम लोग बात करेंगे पीएनजी पाइपलाइन की और ऑनलाइन सुविधा की, गूगल पे सुविधा की, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा की। मैं मानती हूँ कि एलपीजी के दाम बढ़े हैं, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रही हूँ, हम सबको पता है कि दाम बढ़े हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आज गुजरात सक्षम क्यों है इतना? गुजरात का मॉडल इतना सक्षम क्यों है? गुजरात के घर घर में कुछ ही ऐसा हिस्सा है जहाँ पे पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ, इसलिए मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है। आप समझ रहे मेरी बात अमित जी? मेरे घर पे पाइपलाइन है, उसकी सुविधा क्या है, उसके फायदे क्या है, वो मैं बताना चाहती हूँ। एक आम नागरिक होने के नाते फिलहाल भूल जाए कि मैं एक पत्रकार हूँ या मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह बात कर रही हूँ आपसे। मेरे घर पे पाइपलाइन भी था, अभी है, और इस समय में एलपीजी भी था। एलपीजी और पाइपलाइन के बीच में उसका फर्क मुझे पता चला है आज, उस समय पे मुझे फर्क नहीं था, फर्क पता चला नहीं चला जब मैंने पाइपलाइन शुरुआत में ली थी, तब मुझे बड़ा महंगा लगा था, लेकिन आज जब मैं पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ, भरपूर उपयोग कर रही हूँ, तो 2 महीने में महज 300-400 रुपया उसका मेरा बिल आता है। क्यों? आपको बता दूं कि जितना इस्तेमाल करेंगे ना, वो उसके भी सीएनजी है, पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, एलपीजी के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर। जितना इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने अपना घर का नॉक बंद कर दिया, अगर लीकेज भी होगा तो आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन एलपीजी के अंदर कितना गैस भरते वही तो हमें पता नहीं होता है। आप समझ रहे? तो घोटाला कहाँ पे हो रहा है? मैं आपको, भाजपा सरकार घोटाला नहीं करती है, आप समझो मेरी बात को। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सरकार घोटाले नहीं कर पाई, नहीं कर रही, क्योंकि अगर सरकार घोटाला करती तो वो हर राज्य में पाइपलाइन क्यों घुसाती? क्यों हमें फिर तो समझे वो एलपीजी है ना, वो समझे कि वो अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने बोला पाइपलाइन, भारत में तो सभी योजना, यदि जैसे भारत के अंदर में बड़े बड़े नेता उदाहरण देते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, आज हम कहना चाहते हैं भारत में जो जलनल योजना है, ये अमेरिका में आज से 5,500 साल पहले वहां पे हो चुका है, भारत में आज यहाँ लागू हुआ,
आप कहते हैं पाइपलाइन, आज वही आप हर एक राज्य में जाकर के घूम घूम करके देखिए, कैमरा लेकर के जाइए, प्लास्टिक के पाइप से वहां के, सुन लीजिए मैडम जी, उधर 14 में भाजपा आई, उससे पहले कांग्रेस का राज था। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मैडम, पूरे देश भर के अंदर सिर्फ गुजरात में ही ये सुविधा दी गई है पाइपलाइन की, बाकी आसाम वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव द पेट्रोलियम, पूरे देश में सबसे पहले पेट्रोलियम आसाम में। अभी 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 एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी आप यदि कहेंगे ना गुजरात के अंदर में, आप गुजरात का मॉडल एक पाइपलाइन से हमें बताए हैं, आज गुजरात के अंदर में जाइए, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, गुजरात के दलितों के पास जाइए, गुजरात के मुस्लिम वर्गीय के पास जाइए, गुजरात के जो है सो बुद्धिजीवी लोग के पास जाइए, आज वहां पे गुजरात के अंदर में जो गुजरात मॉडल, मैं ये नहीं बोलता हूँ जो कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस दूध का दूधा हुआ है, आज कांग्रेस ने भी, आज कांग्रेस ने ये हाल देश को करके रखा, तभी आज कांग्रेस का भी ये हाल है। जो 42 उद्योगपति जो देश के जनता का पैसा लेकर के जो भाग चुका है, वो पैसा किसका था, देश के जनता का, लेकिन देश के जनता को ये चीज समझाइए, जो इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स में हम आप चाय पीते हैं, अपने परिवार में सुबह उठ करके बात करते हैं, जो अरे आज का पेपर में देखो ये उद्योगपति ने इतना करोड़ों का देश में घोटाला हो गया, हंस देते, लेकिन कभी आप हम हमारे देश के जनता अफसोस किया, जो इसमें एक रुपए था हमारा भी था, ये जो एक रुपए ये जो भगोड़ा भागा है देश का पैसा लेकर के, इसमें एक रुपए हमारा भी मेहनत का था, हम इसको पकड़ के लाना चाहिए देश को। रुके रुके, आप अभी भी गलत दिशा में बात कर रहे, मेरी बात सुनिए अमित जी, आप भगोड़ों की बात कर रहे हो ना, तो भगोड़े उस वक्त भागे हैं जब भाजपा सरकार सरकार में आई, पर भाजपा सरकार ने उन्हें, लेकिन भाजपा, लेकिन सुनिए आप बात क्लियर नहीं कर पा रहे, सुनिए, भाजपा सरकार ने, लेकिन भाजपा ही वो लोन ले चुकी थी, भाजपा सरकार के सरकार में, सरकार में आने के बाद ऐसा हुआ तब जाकर उनको भागना पड़ा, आई बात समझ में आपको, लेकिन 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 जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, भले ही कांग्रेस ने पैसा दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो कांग्रेस ने नहीं दिया भाजपा ने दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, भले कांग्रेस ने पैसा दिया, भाजपा सरकार 2014 में क्या बोली थी, जो ये जितने भी घोटालाबाज जो पैसा देश का लेकर के भाग गए हैं, ये सारे घोटालाबाज को ला करके जेल के अंदर मैं डाल दूंगा। आप धर्म निरपेक्षता की बात करते हो ना, आज आपको ये बात तो माननी हाँ। पड़ेगी ना कि 370 का मुद्दा मोदी के अलावा कोई हटा नहीं पाया था आजादी के बाद अब तक, बातें तो स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो आप, 370 का जो मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा, वो आज तक कोई भी पार्टी उसको बदल पाया था क्या? नहीं, तो हमने भी इसमें जहाँ पे केंद्र सरकार, नहीं समर्थन दिया था, मैंने समर्थन किया था, मैं समर्थन किया था, कांग्रेस भी काफी सालों से राज कर रही थी, 14 के बाद ही क्यों मुद्दा हटा, 370 का मुद्दा उसके पहले क्यों कोई हटाने की कोई ताकत नहीं रख पाया, मोदी सरकार ने क्यों हटाया इसके, सुन लीजिए ना, यही तो कश्मीर में जाने लोग डरते थे, मैं वही बताना चाहता हूँ ना, जो कश्मीर के जो 370 मोदी जी ने हटाए, पूरे देश ने समर्थन किया, कांग्रेस क्यों नहीं हटा पाई, जो आपने सवाल किया जो कांग्रेस क्यों नहीं हटा पाया, आज जो देश के अंदर में यही तो चीज खुलना है, यही तो भेद जो संविधान में, जो संविधान में है वो जमीन पे नहीं है, और आज भी देश के अंदर में वही चीज किया जाता है, जो संविधान में लिखा हुआ है वो जमीन पे नहीं हुआ है, जो जमीन पे है वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसी विषय को दोहराने चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने बोले अखंड भारत, तो आपको मैं वो भी उदाहरण देता हूं, ऐसे इतिहास दिखाता हूं, जो सम्राट अशोक जब देश के अंदर में अखंड भारत हमारा अभिगिरिस्पन तक था, लेकिन हम ये पूछते हैं, आप जब ये सवाल गया कि है तो पीओके बगल में है, हम ये पूछ रहे हैं पीओके जब बगल में है तो मोदी जी पीओके के तो छोड़वा ले, अखंड भारत चीन जो 370 भाजपा सरकार ने सत्ता में होने के तुरंत 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 जैसे बाबा राव अम्बेडकर को
कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है, पितामह कहा गया है, वहां पे आप कैसे सोचते हो कि वहां पे संविधान को छोड़कर आप कैसे सोच सकते हो कि वहां पे रिजर्वेशन हट जाएगा? ये पॉसिबल कैसे इतनी जल्दी? पॉसिबल है क्या ये इतनी जल्दी? क्योंकि जहां पे भीमराव अंबेडकर को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन का पितामह माना है, तो वहां पे इतनी जल्दी उसको हटाना पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है। उसको समय लगेगा और उस पर काम भी हो रहा है। तभी आज एक आम घर की महिला राष्ट्रपति बनने के लायक बनी, उसको बनाया गया, राष्ट्रपति बनी है, वो अपने दम पे बनी है। आज एक आदिवासी अगर हमारे देश में एक तरफा होता ना, तो आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बन पाती। आज हम पूछना चाहते हैं, चुनाव आयोग को भी मैंने पत्र भेजने वाला हूँ, जो चुनाव आयोग जब बच्चे का दसवीं का एग्जाम हो रहा है तो उसको आई कार्ड जब मिलता है, तो हम पूछना चाहते हैं जब भारत के अंदर चुनाव होता है तो हर एक प्रतिनिधि को क्यों नहीं उसको आई कार्ड की अपनी अपनी पहचान दे? यदि उसने जनता के लिए काम किया है तो अंधेरे में भी रहेगा तो जनता उसको ढूंढ के उस जगह पे बैठा लेगा। अगर आपकी सरकार बनती है, आपके पास कौन सी नीति तैयार है, कौन सी योजना तैयार है जो तुरंत आप लागू कर सकते हो? देखिए, सबसे पहला हमारी पार्टी का जब ही सरकार बनेगी तो सबसे पहला शिक्षा किसी भी देश को आपको यदि खत्म करना है तो उसका शिक्षा को खत्म कर दीजिए तो देश खत्म हो जाएगा, उसको बम बारूद की जरूरत नहीं है। किसी भी देश को यदि आगे बढ़ाना है तो उसके शिक्षा को जड़ को मजबूत कीजिए। आज हम पूछते हैं, एक स्कूल के अंदर 50 बच्चे बैठते हैं, कोई फर्स्ट करता है, कोई स्टेट टॉपर करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर करता है, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, कोई थर्ड डिवीजन। मैं पूछना चाहता हूं, जो तीसरी स्थान पे आया क्या उसको रोजगार नहीं मिलेगा देश में? हम उसका भी बनना बे स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे। आपको मैं सवाल और पूछती हूँ, हमारे देश में ऐसे ग्रामीण विस्तार के लोग ऐसे भी हैं कि जिनको दो वक्त खाना नहीं मिलता, वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? उसको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे वो? आज 75 साल से देश में जो अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग थे हमारे पूर्वज, उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी तीन ही चीज पे लड़े, शिक्षा, भूख, पेट, मकान। लेकिन आज भी 75 साल में हमारे देश के अंदर करोड़ों परिवार हैं, आपको थोड़ा बहुत बता दें, करोड़ों परिवार हैं जिनको भूखे पेट रात को सोना पड़ता है। लेकिन लोकतांत्रिक लोकराज्य पार्टी हरेक राज्य में उस भूखे के लिए कैंटीन मुफ्त में उपलब्ध कराने जाएगी। क्या समय मर्यादा यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा आज का ये इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला टॉपिक हम लोग बहुत ही जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उज्ज्वल भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।